लाकड़ा, इसको लाकड़ा बोलते हैं छत्तीसगढ़ में जी। और क्या बोल रहे थे? इसकी तीखी चटनी बनती है जी, तीखी, बहुत तीखी खट्टी। अच्छा, और यहाँ के आदिवासी जो है जी, इसको भोजन के साथ हमेशा लेना पसंद करते हैं। काफ़ी शीतल होता है पेट के लिए, बहुत आरामदायक होता है। इसकी पत्तियाँ भी बनती हैं चटनी, इसके फूल भी बनते हैं, और इसके जो डाल है उससे रस्सी बनती है। ये देखो आपको सरसों के खेत जैसा, लेकिन ये सरसों नहीं है, ये क्या बोला इसको, कठैया, जड़गी। अच्छा, ये मेन पार्ट की सड़कें हैं। और ये सामने हमारा जहाँ से हम लोग आए हैं अभी, ये देखिए, ये सब धान के खेत हैं। मैन पार्ट से उतरते हुए लोग वापस जा रहे हैं अंबिकापुर की तरफ, और ये जगह बिल्कुल ऐसी लग रही है जैसे किसी हिमालय का दर्रा हो। बिल्कुल सामने वाला पहाड़ की रेंज पूरी दिखाई दे रही है। वो देखो खेत किस तरह बने हैं सारे पहाड़ के ढलान पे। हाँ सर, नमस्ते। ये वाले खेत ब्रिज से बदले हैं, ये वाले खेत एकदम शानदार है। अच्छा, इस जगह का नाम है नगेशिया पास। देखिए यह नगेशिया पास ये बन पर जाते हुए आता है। बॉक्साइट, बॉक्साइट पत्थर को बोलते हैं कि एक्चुअली इसके अंदर लौह तंत्र तत्र जो है जी, तो अभी रिफाइन होगा ये। अच्छा, लेकिन इसके अंदर आप सीधा सीधा देख रहे हैं काले हिस्से जो हैं, हाँ ये लौह तत्व है इसमें। हाँ हाँ हाँ, और ये सही है, पूरे मैन पार्ट के क्षेत्र में इसकी भरमार है। और हिंडाल्को ने यहाँ पर उत्खनन भी किया था, जिसके चलते क्षेत्र का रूप भी बदल गया है। हाँ हाँ, ये नज़ारे हैं सीनरी वाले। सीनरी वाले नज़ारे जो कहते हैं, ये होते हैं सीनरी वाले नज़ारे। मैन पार्ट में ऊपर के पठार पर टाऊ की फसल बहुत अधिक मात्रा में उत्पन्न की जाती है। टाऊ की फसल का उत्पादन इतना अधिक है कि हमने यहाँ पर लगातार 15-20 किलोमीटर के क्षेत्र में सिर्फ सफ़ेद फूलों से भरे हुए खेत देखे। यह टाऊ की फसल बताते हैं भारत में पहले नहीं होती थी, यह विदेशी फसल है। यह यहाँ पर अंग्रेजी शासन के बाद ही होने लगी थी, इससे पहले इसका यहाँ पर उत्पादन नहीं किया जाता था। चलिए अब हम आगे अपने उल्टा पानी की ओर चलते हैं। ये उल्टा पानी का उद्गम स्थल आ चुका है। उद्गम स्थल पर लगे इस बोर्ड के अनुसार बताया गया है कि 185 मीटर आगे पानी नीचे नाले की ओर बह जाता है। जो 185 मीटर की दूरी है वही चढ़ाई वाली है। अच्छा, तो मैं वो जो वहाँ जा रहा था, नहीं यहाँ से महसूस नहीं होगा, वो महसूस होगा लंबे उस रास्ते पे जाके। यहाँ तक तो ढलान है, अब जहाँ ढलान ख़त्म होगा वहाँ से आगे फैसली बात चेक करने वाली। तो यहाँ पे पानी यहाँ से आगे ढलान नहीं है, यहाँ से आगे पानी चढ़ रहा है। ये पानी रोका हुआ है और ये तो वाकई में चढ़ाई है। देखिए कागज़ फेंका है, ये जा रहा है।
आखिर में चढ़ाई यूं बैठ के देख सकते हैं आराम से। चढ़ाई तो है, इसमें सामने जहाँ जिधर से हम आए हैं उधर देखने से ढलान लग रही है हमें, थोड़ी सी चाहे हो एक फुट की, लेकिन है बढ़ता जा रहा है ना इधर घाट तो और जी ऊपर की ओर, और यहाँ से इधर चढ़ाई है। अब देखो अगर हम नॉर्मल बैठ के देखते हैं हम इस तरह, तो देखो हम यहाँ बैठे हैं, अगर ढलान होती तो हमें दूर तक नहीं दिखाई देगा, खत्म हो जाएगा ढलान में, तो हमें दिखेगा नहीं दूर तक का, बात वो भी तो है। वहाँ भी पत्रकार सब आए थे शिल्पा जी, वहाँ से जहाँ पे मोड़ है वो वहाँ से कम से कम कितने फुट की चढ़ाई होगी? यदि हाइट लेते जाएंगे ना 4 फुट 5 फुट कम से कम है। वो सुनिए, वो जो लड़की लोग खड़ा है इधर, जो लड़का लड़की खड़ा है जी जी, आप उस पर चला जाइए जी, वहाँ से दिखाई देगी हमें। वहाँ जाने के बाद जी वो जो पेड़ है ना जी, वो पेड़ का यहाँ तो दिखाई देता है, वो पेड़ इतना दिखाई देता है, मतलब उसका नीचे से पानी जा रहा है आपको वहाँ तक। सामने जो पेड़ दिखाई दे रहा है ये वाला पेड़ है, वहाँ पानी का उद्गम कह लीजिए, वहाँ से पानी चढ़ना शुरू होता है, वहाँ पर आराम से आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। ये देखो ये लोग कुछ खड़े हैं और जूम को वापस ले आते हैं, ये देखिए आपको वीडियो में, मगर नीचे भी बैठे तो आपको दिखाई देगा। ये देखिए सामने चढ़ाई नहीं है, ढलान है, चढ़ाई होती तो पानी में दूर तो दिखाई देता, ठीक है। अभी देखिए ये देखिए, क्योंकि सामने गहराई है और कम से कम भी जहाँ हम खड़े हैं यहाँ से 5 फुट गहरा होगा। देखिए सिरपत जी वीडियो बना रहे हैं ढलान से आते हुए पानी का, चढ़ाई से वो खाई से ऊंचाई की तरफ पानी जो आ रहा है, और इधर ये देखिए ये पानी अभी तो और भी आगे तक जा रहा है, अब और आगे कहाँ तक जा रहा है ये देख के आते हैं इसको, भाई वाकई में कुदरत का करिश्मा है। देखे तो थोड़ी सी है मुश्किल से 100 मीटर होगी जहाँ पे पानी चढ़ता है, लेकिन चढ़ रहा है और बह भी रहा है। देखो ये कुल मिला के 185 मीटर है ये, और चढ़ाई का जो छोर है 185 मीटर है, ये रहा यहाँ पे आ गए, यहाँ के आगे फिर ढलान शुरू हो जाती है। ये कभी गांव वालों ने बरसात का पानी ऊंचाई की तरफ बहता हुआ देखा होगा, उसके बाद उन्होंने रोक के इस पानी को देखा कि आखिर पानी ऊपर जाता कहां तक है, और यहां मिट्टी लगा के पानी को जबरदस्ती रोका हुआ है। एक सौ 85 मीटर की दूरी भी है जी जिसमें चढ़ता है पानी, बस उसके इस स्थान से कोई भी वाहन आगे की तरफ 110 मीटर तक अपने आप चलते हैं, ठीक है जी, ऐसा लगता है जैसे वाहन नीचे से ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। बड़ी पावर नहीं है, अरे वो नहीं, सड़क भी वहाँ पे सड़क अच्छी है, सड़क अच्छी है, सड़क अच्छी है, उनसे फर्क पड़ता है, और वो चढ़ाई भी ज़्यादा है उसमें।
ये देखो ये थोड़ा सड़क सही नहीं यहाँ पे, उससे बहुत फर्क गड्ढा हो जाता है, उसमें अटक जाती फिर। उल्टा पानी मैग्नेटिक हिल पावर है, पर है जरूर थोड़ी सड़क की स्थिति में वो करता डिपेंड। मेन पार्ट का 4 इंची केला। उल्टा पानी जाने के लिए यहाँ से मुड़ना पड़ता है और 3 किलोमीटर के बाद उल्टा पानी और मैग्नेटिक हिल आती है, जो छत्तीसगढ़ के मेन पार्ट नाम की जगह का प्रसिद्ध पॉइंट है। ये सड़क है, अब हम यहाँ से इधर दलदली के लिए चलेंगे। मेन पार्ट सिटी जी, मेन पार्ट सिटी।